11 दिन खा लो, 100 साल तक नसों की ब्लॉकेज, खून की कमी, खून का गाढ़ा होना, बुढ़ापा, शरीर की कमजोरी, हड्डियों की कमजोरी, अनिद्रा, कमजोर आंखें, डायबिटीज की बीमारी, कोलेस्ट्रॉल और ये दिल से जुड़ी बीमारियां आपको कभी नहीं होगी। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे चमत्कारी नुस्खे के बारे में बताएंगे। दोस्तों, यदि आप इस नुस्खे का हर रोज सेवन करेंगे तब आपको अपने शरीर में चमत्कारी बदलाव महसूस होंगे और आपका पूरा शरीर बिल्कुल निरोगी बन जाएगा। आपके शरीर की हर तरह की बीमारी का इलाज हो जाएगा। आपके शरीर की इम्यून पावर, रोगों से लड़ने की शक्ति बहुत अधिक बढ़ जाएगी, जिससे आप बहुत तरह की बीमारियों से बच रहेंगे। दोस्तों, बहुत कम नुस्खे ऐसे होते हैं जिनको आप गर्मी के मौसम में भी और सर्दी के मौसम में भी, यानी दोनों मौसम में ही सेवन कर सकते हैं। और दोस्तों, ये नुस्खा ऐसा ही है जिसको आप हर प्रकार के मौसम में यूज कर सकते हैं। इसका किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं है और ये नुस्खा आपके शरीर की हर तरह की बीमारी का इलाज कर देगा। दोस्तों, चाहे आपके शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल बहुत अधिक बढ़ा हुआ और आप अपने कोलेस्ट्रॉल के लेवल को सही करना चाहते हैं, जिससे कि आपको ना तो कभी हार्ट ब्लॉकेज हो और ना ही हार्ट अटैक आए, उल्टा नसों की ब्लॉकेज खुल जाए, बंद नसों का इलाज हो जाए, तो दोस्तों ये नुस्खा वही है। ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को सही करेगा और आपके दिल की बीमारियों का इलाज कर देगा। दोस्तों, यदि आपको खून की कमी की समस्या है या आपका खून गाढ़ा है या खून के अंदर गंदगी है, तो दोस्तों इन तीनों ही समस्याओं का ये इलाज है। खून की कमी को दूर करेगा, खून को पतला करेगा, खून की गंदगी का भी इलाज करेगा, जिससे कि आपको कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। दोस्तों, हम बुढ़ापा उसको बोलते हैं जैसे आपके सर्कल में बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होंगे जो हैं तो 30 साल के, लेकिन आप उनको देखकर बोलेंगे कि ये 50 साल से कम नहीं है। और दूसरा, कुछ ऐसे व्यक्ति भी होंगे जिनकी उम्र का पता ही नहीं चलता। वो होंगे तो 50 साल के, पर आप उनको देखकर बोलेंगे कि ये 30 साल के हैं। उसको ही हम बोलते हैं बुढ़ापा आना, यानी कि जल्दी बुढ़ापा आना। और आपकी इस समस्या का भी ये इलाज करेगा। आपके चेहरे पर नया ग्लो ला देगा, आपके चेहरे की सुंदरता में 4 चांद लगा देगा, जिससे कि आपकी उम्र बढ़ने की प्रक्रिया रुक जाएगी, जिससे कि आपको बुढ़ापा नहीं आएगा। दोस्तों, यदि आपके शरीर में कमजोरी है या हड्डियों की कमजोरी है, दोनों ही तरह की कमजोरी को ये नुस्खा बिल्कुल जड़ से खत्म करता है और आपकी हड्डियों को भी फौलाद की तरह मजबूत बना देता है, जिससे कि आपको हड्डियों के दर्द का सामना नहीं करना पड़ता। दोस्तों, यदि आपकी आंखों की रोशनी कमजोर है और आप अपनी आंखों की रोशनी को बढ़ाना चाहते हैं, दोस्तों तब भी ये नुस्खा बहुत अधिक कारगर है और आपकी आंखों से चश्मे को हटाने का काम करेगा। दोस्तों, यदि आपको अनिद्रा की बीमारी है और आप इस अनिद्रा की बीमारी का इलाज करना चाहते हैं, जिससे कि आपका शरीर बीमारियों का घर न बने, तो दोस्तों तब भी ये नुस्खा बहुत अधिक कारगर है। यदि आप अपने मोटापे को कम करना चाहते हैं, तब भी ये नुस्खा कारगर है। यदि आप अपने वजन को बढ़ाना चाहते हैं, तब भी ये नुस्खा कारगर है। यानी दोनों ही तरीके से ये नुस्खा काम करेगा, वो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा कि कैसे। दोस्तों, यदि आपको डायबिटीज की बीमारी है और आप अपनी शुगर के लेवल को कंट्रोल में रखना चाहते हैं, दोस्तों तब भी ये नुस्खा बहुत अधिक कारगर है, क्योंकि इस नुस्खे को लेने से आपका शुगर लेवल बिल्कुल कंट्रोल में बना रहेगा और इस डायबिटीज की बीमारी के जो कॉम्प्लिकेशन है, जैसे शरीर में कमजोरी आदि आना, उनसे भी आप बचे रहेंगे। इतना कारगर है नुस्खा। और दोस्तों, इस नुस्खे की जो मुख्य सामग्री है वो है दोस्तों मेथी दाना और दूसरा खजूर। दोस्तों, मेथी दाना के फायदे कौन नहीं जानता। मेथी दाना हमारे शरीर के लिए बहुत अधिक चमत्कारी है। सिर से लेकर पैर तक आपके शरीर की हर तरह की बीमारी का इलाज इस मेथी दाना के पास होता है। बस जरूरत है आपको इसका सही तरीके से प्रयोग करने की। दोस्तों, चाहे आपको अपने बालों को काला बनाना हो या चेहरे की सुंदरता में 4 चांद लगाने हो या मोटापे को कम करना हो या शरीर की किसी भी बीमारी का इलाज करना हो, मेथी दाना बहुत अधिक चमत्कारी है। बस आपने अपनी उम्र के हिसाब से इसका प्रयोग करना है। दूसरा, खजूर। दोस्तों, खजूर के स्वाद को कौन नहीं जानता। ये एक मीठे का भंडार है जो आपके शरीर में, इसे खाते ही आप ताकत महसूस करेंगे, यानी कि आपके शरीर में एनर्जी आ जाएगी जैसे ही आप इसको खाएंगे। इतनी चमत्कारी है खजूर का सेवन। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आपने प्रयोग करना कैसे है। दोस्तों, इस नुस्खे को बताने से पहले मैं आपको बता
बताना चाहता हूँ कि यदि आप किसी भी बीमारी के लिए दवा लेना चाहते हैं तो इस वीडियो में जो आप नंबर देख रहे हैं उस नंबर पर कॉल करके अपने घर पर ही दवा मंगा सकते हैं और इन बीमारियों का घर बैठे ही इलाज कर सकते हैं। दोस्तों आपने क्या करना है, या तो आप अपनी उम्र के हिसाब से जितनी आपकी उम्र है उतने मेथी के दाने लें, या फिर आप एक छोटा चम्मच मेथी दाना लेकर एक गिलास पानी में रात भर के लिए भिगो कर रख दें और सुबह खाली पेट आप उस पानी को भी पी लें और उस मेथी दाना को भी चबा चबा कर खा लें। ये आपने 12 महीने इसका प्रयोग ऐसे ही करना है। अब आगे खजूर की बात। दोस्तों गर्मियों में आप 1 से 2 खजूर का प्रयोग करें और सर्दियों में 5 से 7 खजूर का करें। आपने इन खजूरों को भी रात भर के लिए पानी में भिगो कर रखना है और सुबह बासी में उस पानी को तो पी लेना है और इन खजूरों को दूध के साथ उबाल कर आपने सेवन करना है। आपने खजूरों का सेवन इस तरह से करना है। लेकिन यदि आपको डायबिटीज की बीमारी है तब आपने खजूर का सेवन नहीं करना है, तब आप मेथी दाना का ही प्रयोग करें। लेकिन यदि आपके परिवार में पहले से डायबिटीज की बीमारी है और आप चाहते हैं, आज आपको डायबिटीज नहीं है और आप चाहते हैं कि आपको ना हो, तब आपने खजूर का भी सेवन करना है, क्योंकि ये आपके शरीर की इम्यून पावर को सही करेगी, पैनक्रियाज को सही करेगी, जिससे कि आप ये डायबिटीज की बीमारी से बचे रहेंगे। आपके शरीर में नई ताकत का संचार करेगी, आपके पाचन को मजबूत बनाएगी, खून की कमी और खून के गाढ़ा होने की समस्या का भी इलाज करेगी। तो दोस्तों देर किस बात की है, आप भी इस नुस्खे का आज से ही प्रयोग शुरू कर दीजिए और अपने शरीर को बिल्कुल निरोगी बना दीजिए। तो दोस्तों यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए। इसके साथ में आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बेल का आइकॉन है उसको भी दबा दीजिए, ताकि आपको हमारी सभी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। धन्यवाद दोस्तों।